चर्चा में, और चर्चा के तहत अब हमारा विषय है वो है तीसरी बार सोरेन ही सरकार। एक राज्य है झारखंड, तकरीबन 24 साल पहले अस्तित्व में आया, 5 साल किसी सरकार का कार्यकाल माना जाता है। इस हिसाब से अगर 24 साल के समय पर दृष्टि डालें तो वहां पे 4 या 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए, पर आज हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और झारखंड के इतिहास में ये 13वें मुख्यमंत्री की शपथ का कार्यक्रम था। उससे पहले शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा भी ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने 3-3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन भी 150 दिन जेल में बिताने और 156 दिन तक मुख्यमंत्री पद से महरूम रहने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर आज सत्तासीन हो गए। चंपई सोरेन 152 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिए, और इसलिए दे दिए क्योंकि उनके नेता हेमंत सोरेन जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गए। हेमंत सोरेन को अदालत ने जब जमानत दी तो हेमंत सोरेन का दावा है कि उसमें उन्होंने माना कि हेमंत सोरेन की धन शोधन के मामले में वो संलिप्तता नहीं थी जैसी ईडी ने जाहिर की थी। अब जब वहां पर अर्थात झारखंड में चुनाव के लिए बमुश्किल 5 महीने का समय बाकी है, ऐसे में चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन का आना कुछ सवाल पैदा करता है कि यह परिवर्तन क्यों, इस परिवर्तन के मायने क्या, इस परिवर्तन के चलते क्या गठबंधन की जो सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है उसकी सत्ता में आने की संभावनाएं बलवती हुई हैं, या जो एक सहानुभूति का वातावरण लोकसभा चुनाव के अंदर हेमंत सोरेन के पक्ष में दिख रहा था, गठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहा था, उस पर पानी फिर जाएगा इस परिवर्तन के चलते, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता हैं हेमंत सोरेन, उसके प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हमारे साथ में। हमारे साथ में रमाकांत महतो जी हैं। ऑपरेशन हेमंत सोरेन चलाकर भाजपा ने क्या पाया क्या खोया, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में तैल रहा है। रमाकांत जी हमें बताएंगे क्या खोए क्या पाए, और इनके बीच में तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष राज जी, आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर नीलम मिश्रा जी से बात करते हैं, क्या बिगाड़ा था चंपई सोरेन ने, लोग ये पूछ रहे हैं, 5 महीने सरकार ठीक से नहीं चलाए थे क्या, कामकाज ठीक नहीं था क्या, मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं थे क्या, मुख्यमंत्री के तौर पर सबको साथ नहीं ले पा रहे थे क्या, क्या ऐसा हो गया जो एक जमानत पर छूटकर हेमंत सोरेन बाहर, क्या है चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से बाहर कर दिए गए? नीलम जी ऐसा क्यों किया? नीलम जी बहुत अच्छा सवाल किया आप, जनता को जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा है कि 2019 का चुनाव माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी और झारखंड के जो जनादेश मिली थी, झारखंड का जो जनादेश था वो माननीय हेमंत सोरेन जी को मिला था, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई थी और जिस तरह से साजिश के तहत उनको जेल के अंदर डालने का काम किया गया तो ये तो जवाब है। एक तरफ हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने इस चीज को स्पष्ट किया कि ये कहीं से संलिप्त नहीं थे, पूरी तरह से एक निर्दोष मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से साजिश करके षड्यंत्र रच करके इनको पद से इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया, वही जेल में 5 महीने तक रखा गया, ये तो माननीय हाईकोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने न्याय किया और आईने दिखाने का काम किया कि सत्य की जीत होती है। अब रही बात की उनको नेतृत्व फिर क्यों सौंपा गया, उनकी बेल से आने के बाद यहाँ के लोग हर जगह से लोगों का फोन आ रहा था और जो वातावरण बना था लोग चाह रहे थे कि फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी को सत सम्मान उनको पद सौंपा जाए, क्योंकि उन्होंने चंपई सोरेन को अपना जो ये आवाज ना इक्वल हो रहा है जी, अपना अपना जो कार्यभार था वो उन्होंने चंपई सोरेन जी को, जो हम लोगों के अभिभावक के रूप में है, उनको सौंप करके वो जाने का काम किए थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं सबसे पहले हमारा जो महागठबंधन की सरकार है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि भाजपा का तो गिद्ध नजर तो हमारी सरकार पे है, यहाँ की सत्ता शासन कैसे काबिज, इसके इस पे कैसे काबिज पाए, तो इसके लिए है तो इसको तो हमेशा धुन चटाने का काम यहाँ का जो है विधायक सांसद और यहाँ के लोगों ने किया, तो इसमें कोई नई बात नहीं। तो मेरे 2 सवाल है नीलम जी, नई बात तो नहीं है पर 2 सवाल है आपसे। एक तो ये कि आज शपथ जो हुई उसमें केवल हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली,
बाकी मंत्रिमंडल के अन्य साथियों की शपथ नहीं हुई, किससे इतना नाराज है जिसके चलते शपथ नहीं कराई गई, एक। और दूसरा, चंपई सोरेन अब आपके साथ बने रहेंगे इसके लिए कितना आप प्रबंधन कर रहे हैं? वो देखो ना, सीता सोरेन बीच में छोड़कर चली गई, परिवार का हिस्सा थी। अब ऐसा तो नहीं कि चंपई सोरेन को हम आने वाले दिनों में माननीय रमाकांत महतो जी के साथ देखें, डर लगता है। आप भी थोड़ी डरी डरी है कि नहीं ये चंपई सोरेन जी को लेकर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग के चेहरे से लग रहा है क्या ऐसा? फुल कॉन्फिडेंस हम लोग के चेहरे पे है। और माननीय, आपका चेहरा तो ठीक है पर सीता सोरेन के कारण से डर लग रहा है, क्या कर रहे हैं नीलम जी? देखिए, सीता सोरेन जी के जाने का वही मामला है जो अन्य विधायकों और सांसदों का होता है जी। उनके साथ क्या मामला था, क्या मजदूरी थी, वो सब जानता है जी। सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स से सबको डर लगता है जी। तो वो इसी लालसा में उसको जाना पड़ा जी। और जिस लालच से सत्ता की लोलुपता के कारण दुमका से उनको लड़ाया गया, देखिए किस तरह से हारी वहां से जी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए दल बदलने से कुछ नहीं होता है। गुरु जी का चेहरा झारखंड के लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए। और आपका दूसरा सवाल था कि चंपई सोरेन जी का क्या होगा। देखिए, चंपई सोरेन जी सम्मान अपना जो कार्यभार है, अपना पद है, बहुत ही बड़े दिल को दिखाते हुए फिर से सम्मान के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी को सौंपने का काम वो किए हैं। और वो अभिभावक के रूप में थे, हैं और हमेशा रहेंगे, उनका सम्मान और बढ़ गया। पर नीलम जी, आपने बताया नहीं कि किसी और की शपथ आज क्यों नहीं कराई? देखिए, शॉर्ट पीरियड में इतना जल्दी हड़बड़ाहट में नहीं हो सकता था, बहुत जल्द ये भी क्लियर हो जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि परिवर्तन ज्यादा कुछ नहीं होगा, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। शॉर्ट पीरियड था, 6 दिन बाद तो हेमंत सोरेन जी की शपथ हुई जल से आने के बाद में। जो मंत्री थे वो मंत्री रहे ना रहे, इसको लेकर असमंजस क्यों है? सवाल है, लेकिन इसका उत्तर हमें मनीष जी से मिलेगा। लेकिन अभी मैं रमाकांत जी के पास चलता हूं। रमाकांत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। रमाकांत जी, बोलना तो आपको है, हमको तो केवल सुनना है। कितनी कोशिश की आपने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से दूर रखने की? हेमंत सोरेन फिर भी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप था हेमंत सोरेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पर, फिर भी देखो आज बन गए। क्या कहते हैं आप हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को, कितना नुकसान होगा आपको? आरोप आप झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है जी, वो बिल्कुल तथ्य से परे और निराधार है जी। और जहां पर हेमंत सोरेन जी को बर्दाश्त करने की बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे पहले हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम नहीं थे क्या जी? हमने, हमारे साथ शिबू सोरेन जी भी, जब झारखंड अलग राज्य हो रहा था तो शिबू सोरेन ने भी हमारी पार्टी को, एनडीए को उस समय वोट किया था जी। और नीलम जी जो कह रही है कि सत्ता लोलुपता, तो लोभ कहां दिख रहा है जी? एक और जहां शिबू सोरेन जी भी सत्ता के लोभ में एक बार झारखंड को 3.5 करोड़ में बेचने का काम किया और तिहाड़ और बेउर में अपना शोभा बढ़ाए, और वही काम आज उनके सुपुत्र दुर्योधन की भांति बड़ों का सम्मान नहीं करना जी। ये चीजें उनमें दिखाई दे रही है। आज जब गाड़ी चल रही थी बहुत बढ़िया से और जब बीच में गाड़ी पंचर हो जाती है, भ्रष्टाचार रूपी चक्का पंचर हो जाती है और हेमंत जी सलाखों के पीछे चले जाते हैं और गाड़ी का चक्का उठा करने के अपने चक्के के रूप में वहां बैठ जाते हैं चंपाई सोरेन जी, जो एक वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, आंदोलनकारी है, जमीन से उठे हुए हैं, और 5 महीने के बाद जिस तरीके से कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई, आप देखे होंगे अध्यक्षता कर रहे हैं चंपाई सोरेन जी और उनको किनारे पे बैठा दिया जाता है और बीच में कांग्रेस के गुलाम बैठ जाते हैं और किनारे पे अपने उनके राइट साइड में बैठ जाते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी। और ये परिस्थिति, इतना दबाव दिया गया उन्हें, मानसिक रूप से उनसे इतना प्रताड़ित किया गया है, आज उस टाइगर को आप सोच लीजिए क्या बना दिया गया। और उनको एक क्या कहिए, डिस्पोजल ग्लास की तरह उनको यूज करके फेंक दिया गया। इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके राजनीतिक करियर को, उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करने का काम किया है। और दूसरी ओर देखिए, इतनी भी मानवता नहीं है
तीन महीने के बाद चुनाव होने हैं, क्या इतनी जल्दी जरूरत पड़ी थी, क्या जरूरत थी जो आप तुरंत ओथ ले लिए और तुरंत जाकर के प्रभार ले लिए? तो क्या करना चाहिए धर्माकांत में, तो जो उनका तो आरोप है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले षड्यंत्र के तहत उनको इस मामले में उलझा दिया और हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी की इसमें संलिप्तता नहीं है। आपको नहीं लगता है कि आपको बहुत भारी पड़ने वाला है हेमंत सोरेन का एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना? लोकसभा में सारे आदिवासी सीटों पर आप तसल्ली से हार गए, आपके अर्जुन मुंडा जैसे नेता भी चुनाव हार गए, अब विधानसभा में आपका क्या होगा? ये हेमंत सोरेन जी का फिर से मुख्यमंत्री बनना आपको झारखंड में सत्ता आने से कहीं रोक तो नहीं देगा? भैया जब जब शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने रहे और मुख्यमंत्री बन रह करते रहते हुए तमाड़ से चुनाव पूरी तरह हार गए एक सामान्य कार्यकर्ता से जी, और वही चीज कह रही थी ना कि गुरु जी के नेतृत्व में, क्या गुरु जी दुमका से दो बार तीन तीन बार पटकनी नहीं खाए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता? उस समय बाबूलाल जी तो एकदम यंग थे जी, और ये सामान्य कार्यकर्ता सुनील सोरेन जी से मात खा चुके हैं। और जब शिबू सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो हेमंत सोरेन जी क्या कर लेंगे? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके राजनीति नहीं करती, हमारा केवल एक राष्ट्रवाद है और जनता की सेवा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सेवा के भाव से सत्ता में आने का प्रयास करती है। रमाकांत जी केवल एक सवाल को तोड़ दीजिए फिर मनीष जी के पास चलते हैं, ये चंपई सोरेन के साथ हुए व्यवहार से आप बहुत दुखी हैं, आपकी आवाज से वो दर्द, वो दुख, वो तकलीफ, वो पीड़ा झलक रही है, ये चंपई सोरेन को सम्मान देने के लिए अपने साथ कब लेने जा रहे हैं? चंपई सोरेन जी को क्या किया इन्होंने, हमारी क्या पीड़ा है उसमें? पीड़ा तो ये मानवीयता की है, हमारी उसमें कोई पीड़ा नहीं है। या तो उनके कुटुंब थे चंपई सोरेन जी, उनको पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा मिल गया, वो सुविधाएं मिल जाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन परिवार अपने कुटुंब साथियों को संबंधियों को ये सुविधाएं देना चाहती थी। अरे कई सारे राजनीतिक मायने तो निकाले ही जा सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है अभी झारखंड में, कई सारे संवैधानिक संकट पड़े हुए हैं, दो दो मंत्री पद के ओथ लेने के लिए वहां तैयार है, मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं और उसके बाद ये नौटंकी किया जा रहा है, विकास कितना पीछे हो गया है झारखंड, आज हर जगह भ्रष्टाचार का आखंड डूबा हुआ है। अरे रमाकांत महतो जी आप तो अपनी बात ही पलट गए, अभी तो आप बता रहे थे पांच महीने से बहुत कुछ बढ़िया चल रहा था, चंपई सोरेन बढ़िया से काम कर रहे थे, अभी आप बता रहे हो कि झारखंड जो है विकास से पिछड़ गया है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी तो आप चंपई सोरेन की प्रशंसा के गीत गा रहे थे, अचानक आपने दूसरा राग शुरू कर दिया। पर मैं मनीष जी आपके पास आता हूं, परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन किसकी बेहतरी के लिए है? हेमंत सोरेन की बेहतरी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी की बेहतरी के लिए है, इंडिया गठबंधन की बेहतरी के लिए है, या कुछ बेहतरी झारखंड राज्य की और राज्य की जनता के लिए भी है? थोड़ा रोशनी दीजिए मनीष जी, ये किसकी बेहतरी के लिए हुआ है चंपई सोरेन का जाना और हेमंत सोरेन का आना? देखिए देवी जी, देखिए महतो जी जो कह रहे थे बात, इनको तो हम बधाई देंगे कि इनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया जी, तो ये कह रहे थे इनको एक मुद्दा मिल गया बैठे बिठाए, इनको तो खुश होना चाहिए क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो इन्होंने 5 सीट खोई है, इनके पास नहीं है मुद्दे। आप याद कीजिए अर्जुन मुंडा जैसे धनुर्धर, इतने बड़े पार्टी के सीएम भी रहे हैं, अब उनको कहां ये एडजस्ट करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है इनके साथ जी। इतना ही नहीं, जिस सीता सोरेन को इन्होंने अपने पार्टी में लेकर आया, जिन्होंने टिकट दिलाई, मैं वही बता दूंगा, वो भी संथाल के एक सांसद है, उन्होंने लगभग क्या इनको टिकट दिलाई थी सीता सोरेन को, लेकिन वो भी हार गई। और सच पूछिए द्विवेदी जी, आप ही कार्यक्रम में मैंने कहा था एक बात कि सीता सोरेन की अग्नि परीक्षा नहीं थी, प्रदेश भाजपा की अग्नि परीक्षा थी जी। और मजे की बात यह है कि इनके पार्टी के एक सांसद हैं जो लगातार उंगली उठाते नहीं है, उंगली करते रहते हैं राज्य सरकार पर, राज्य सरकार पर, और इसका बेनिफिट जेएमएम को मिलता है। पता नहीं किस अधिकार से इन लोगों ने उन्हें प्रवक्ता बना दिया है, सोकल प्रवक्ता बन गए, दिल्ली में रहते हैं, कभी गोड्डा में रहेंगे, कभी देवघर में रहेंगे, ट्वीट करते रहते हैं सरकार को लेकर के, और उसी का फायदा हुआ। और चूंकि हेमंत सोरेन, अब हमारा ये सवाल, अभी उन्होंने ये कहा कि अब वो कहां जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, उनको तो उतार दिया जा सकता, ऐसी कोई नई बात नहीं है, आपने रघुवर दास को अपने राज्यपाल बना के भेज दिया, तो कई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इनके यहां भी होते रहा है, उन्होंने बिहार में क्या किया, पलटू चाचा जी आते हैं। सवाल थोड़ा स्पेसिफिक आते हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते तो भाजपा के लिए मुश्किल था
या हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को हटाकर अपने आप को फिर से मुख्यमंत्री बना लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद है, क्योंकि 3 महीने 4 महीने बाद ही चुनाव होना है झारखंड में। सबसे बड़ी बात थी कि जेएमएम के चेहरा में दो हैं, एक दिशोम गुरु जो सर्वमान्य गुरु हैं, वो जेएमएम के नेता हैं, वो आदिवासियों के नेता हैं। इस राज्य में और भी कई आदिवासी नेता हैं, लेकिन आदिवासी नेता का अगर कोई नाम है तो दिशोम गुरु है, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने आप को इनकलकेट किया है और एक उनके जगह पर अपनी जगह बनाई है। तो सत्ता के ऊपर पकड़, सरकार के ऊपर पकड़, ये जरूरी था मुख्यमंत्री पद पर दोबारा उनको उनके लिए आना, उनके राज्य उनके सरकार के लिए बेहतरी था, उनके साथ साथ जो चुनाव होने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए बेहतरी था, क्योंकि कब्जा होना, पकड़ होनी बहुत जरूरी था, क्योंकि अकेले सरकार से जेएमएम की नहीं है, राजद भी है, कांग्रेस भी, गठबंधन की सरकार है। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी बात है कि जब कोई चीफ मिनिस्टर या मंत्री कोई होते हैं तो उनके परिवार के लोग की सक्रियता बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं शायद जेएमएम इस बात को बखूबी समझता है कि चंपई सोरेन के परिवार के लोग के या फिर आप जो नजदीकी लोग हैं उनकी सक्रियता बढ़ गई थी, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सबब, ये कारण था, ये निर्णय, ये इतना बड़ा निर्णय लेने के पीछे वो भी एक कारण था। तो निश्चित तौर पर अब जिस लिहाज में, जिस तरीके से हेमंत सोरेन आए हैं, अब जब वो निकलेंगे चीफ मिनिस्टर के रूप में, जब यात्रा करेंगे चुनाव से पहले, वो हर बार इस बात को बोलेंगे कि उन्हें फंसाया गया, उन्हें हर उनसे बदच्युत किया गया, आदिवासी नेता नहीं देखना चाहते हैं, तो भाजपा के लिए एक भारी होगा। और जिस तरीके से वो भाषण देगा, आपको याद होगा जिस दिन उन्हें विधानसभा में मौका मिला था कुछ बोलने के लिए, पहले तो मौका नहीं दिया था, बाद में उनको मौका मिला बोलने के लिए, तो उस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से उन्होंने रखा था, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को कहा था, एक एक शब्द में ये चीज था, अब वो और बेहतर तरीके से बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड अपनी बातों को रखेंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष इतना ही कहेगा कि परिवारवाद है, उन्हें उसी से अलग नहीं रहना चाहते, इसके अलावा इनके पास बहुत कुछ नहीं है। कुल मिलाकर पार्टी और सत्ता दोनों पर पकड़ बनाए रखने के लिए हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनना जरूरी था। पर मैं डॉक्टर नीला मिश्रा जी, अब आपके पास वापस आना चाहता हूं। तो हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री बनके क्या करेंगे? झारखंड का विकास करेंगे, झारखंड के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, या फिर से सत्ता में कैसे आ जाऊं इसके लिए इंतजाम करेंगे? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनकी बातों का भी मैं पहले जवाब दे दूं। जरूर। और आपने कहा कि हेमंत ने हटाया चंपई सोरेन को, तो ये सरासर गलत है। हेमंत सोरेन जी ने चंपई सोरेन जी को नहीं हटाया है, विधायक दल का नेता उनको सभी विधायक मिलके चुने, और जो जनभावना उनको मिला था 2019 के चुनाव में, उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ी गई थी, तो जनभावना जो था उनको उनकी तरफ था, ठीक है। डॉक्टर नीलम मिश्रा, आपका कहना यह है कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को नहीं हटाया, जो विधायक दल है गठबंधन का उसने चंपई सोरेन को हटा दिया? जी हटाया नहीं, ये नीचे लिया गया कि जिस तरह से षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, क्योंकि भाजपा का तो मकसद यही था कि हेमंत को मुख्यमंत्री के पद से हटा। दोनों लोग मुख्यमंत्री रहेंगे, हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री रहेंगे और चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री रहेंगे। आपने कहा कि विधायक दल ने हटाया नहीं, जब तक चंपई सोरेन हटेंगे नहीं तब तक हेमंत सोरेन आते कैसे? तो हटे तो है ही ना चंपई सोरेन। चंपई सोरेन का कहीं पे भी यह बयान नहीं आया कि मैं अपने स्वविवेक से हेमंत सोरेन के प्रति मोहब्बत के चलते हेमंत सोरेन के सम्मान में पद छोड़ रहा हूं। उनका बयान ही आया कि गठबंधन ने ऐसा फैसला लिया है। फैसला चंपई सोरेन का नहीं है, गठबंधन का फैसला है कि चंपई सोरेन आउट, हेमंत सोरेन इन। क्या कहती हो आप? हाँ देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, चंपई सोरेन, मैं जब बताई कि चंपई सोरेन जी को विधायक दल का जो बैठक हुआ उसमें निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन जी को सत्ता से हटाया गया, मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, भाजपा का तो मकसद यही था। तो आज अगर मुख्यमंत्री के पद पर इनको हम लोग बिठाते हैं तो भाजपा के मुंह पे तमाचा होगा कि तुमने हमारे मुख्यमंत्री को हटाया, आज हमारे मुख्यमंत्री सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश करके तुम्हारे मुंह में एक जबरदस्त तमाचा मारते हुए फिर से हमारे जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी को हम लोग सत्ता पे बिठाने का। तो नीलम मिश्रा जी, मैं फिर से अपने सवाल को दोहराता हूं, क्या विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन ने यह कहा कि मैं चाहता हूं कि अब हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने, या गठबंधन के विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन जी वापस आ गए जमानत पर छूटकर, तो चंपई सोरेन जी अब आप कुर्सी से उतर जाओ, हम हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो
थोड़ा सब कीजिए ना, क्योंकि चंपई सोरेन जी का कहीं पर भी ये बयान आया नहीं, कहीं पर भी उनका ये वक्तव्य हमने सुना नहीं, जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बने और उनके लिए मैं अपना पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। आप उनका बयान शायद नहीं सुने होंगे, कल उनका जो बयान था कि 2019 का चुनाव का जो जनादेश था वो माननीय हेमंत सोरेन हेमंत बाबू के साथ था, हम लोग चाहते हैं कि हेमंत बाबू अपना कार्यभार फिर से संभाले और सहमति से पूरे विधायक दल का जो बैठक हुआ उसमें ये निर्णय लिया गया। आपकी मदद करने के लिए मनीष राज जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं नीलम जी, एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मनीष जी। जी मनीष जी, नीलम जी आज ये फैसला अचानक लिया गया, आपको याद होगा आपके प्रवक्ता ने कहा था कि 7 तारीख को ये कार्यक्रम होगा, एक तो अचानक आज कर दिया गया एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि बात ये भी सामने आई थी कि यात्रा पर निकलेंगे हेमंत सोरेन और सरकार चलाएंगे चंपई सोरेन, तो क्या ये संभव नहीं था, क्या ये व्यवहारिक नहीं था? एक जो इतने दिनों से आपके पार्टी में रहे हैं और सर्वमान्य नेता भी हैं, वो भी हैं, उनके काफी उनकी छवि अच्छी मानी जाती है, तो वैसे क्लीन चीट मिस्टर क्लीन वो कहे जा सकते हैं, तो वो अगर रहते तो क्या आपको बेनिफिट इसका नहीं मिलता? जी सोरेन, दो विषय, 7 तारीख को शपथ की बात थी, आज ही हो गई, क्या गड़बड़ा लग रही थी कि आज ही करना पड़ा? और दूसरा बात ये आ रही थी कि हेमंत सोरेन तो जनता के बीच जाएंगे और यहाँ बैठकर सरकार चंपई सोरेन चलाएंगे, फिर बदल गया निर्णय क्यों? देखिए ऐसा है, आप जो हड़बड़ाहट की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग के पास समय बहुत कम है, एक दिन का भी एक एक दिन का भी कीमत है, क्योंकि अब चुनाव बहुत सामने आ गया है, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और हमारी इतनी सारी जो काम बाकी रह गया है जो जनता तक पहुंचाना है, उसके लिए अभी हम लोग को लेट करना, 7 तारीख तक इंतजार करना, इन लोगों ने पुनः विचार किया कि इसको लेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, उन्होंने शपथ ग्रहण किया। और देखिए जहां तक मैं भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने बताया कि गुरुजी पटकनिया खाए थे दुमका से, तो देखिए राजनीति में ना हार जीत होती रहती है चुनाव में, तो मैं कहना चाहूंगी वाजपेयी जी नहीं हारे थे, वाजपेयी जी भी तो चुनाव हारे थे, इतने दिग्गज नेता होकर के चुनाव हारे, ये सब बोलना एक बचकाना हरकत है अभी के समय में। और उसके ऊपर से जो आरोप लगाए गुरु जी पे, आप देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया उसी तरह से गुरु जी को भी फंसाया गया था उस बार, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिला है, और क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद भी आज भी भाजपा के प्रवक्ता जो है ये सारी अलबल बयानबाजी करके अपना चेहरा जो है ना वो साफ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरी टिप्पणी के लिए रमाकांत जी आपके पास आता हूं, क्या करेंगे अब आप? हेमंत सोरेन को जेल में तो रख नहीं पाए, अब हेमंत सोरेन न केवल बाहर आ गए बल्कि मुख्यमंत्री भी हो गए। 2019 में हेमंत सोरेन के हाथों आपको शिकस्त झेलनी पड़ी, उस समय जिन्होंने शिकस्त झेली थी वो तो राज्यपाल बनकर चले गए, आप लोग राज्य में ही रह गए, कैसे संभालोगे अपने आप को, कैसे करोगे मुकाबला आप? कोई आपके सारे बड़े नेता अभी लोकसभा में तसल्ली से हार गए, आपको शिबू सोरेन की हार याद है, वो अर्जुन मुंडा समेत तमाम लोग जो निपट गए उनका संदर्भ में कुछ दुख है आपको? बिल्कुल है, देखिए हार जीत स्वाभाविक है, लेकिन ये नीलम जी जिस तरीके से सीता सोरेन जी के लिए जिस शब्दों का प्रयोग कर रही थी उन्हीं का जवाब मैं उन्हें दे रहा था। राजनीति में तो हार जीत लगी रहती है, जनता के हाथ पे रहता है सारा कुछ, तो ये सारी चीजें होती है। और भारतीय जनता पार्टी राज्य का विकास, राज्य का जो निर्माण करना है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और कांग्रेस ने आंदोलन को खरीदा है और जेएमएम ने बेचा है, वो विकास का दम्भ भरने वाली आज जिस तरीके से झारखंड में परिस्थितियां पैदा हुई हैं, ये केवल और कांग्रेस पार्टी और झारखंड पार्टी के लिए ही हुई है। और जो पार्टियां मेरी लास्ट पे झारखंड बनेगा कहने वाली पार्टी भी आज आरजेडी सरकार के साथ है, तो इन सारी विषयों को झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने आप में चिंतन करना चाहिए। उन बातों को नीलम जी ने भी कहा कि गुरु जी को उस समय सीबीआई के शिकंजा से फंसाया गया था, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें फंसाई थी? ये बात भी तो अस्पष्ट हो रही है, जिस तरीके से अभी इन लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत जी को फंसा है, तो क्या उस समय शिबू सोरेन जी को कांग्रेस पार्टी ने फंसाई थी क्या? तो कुल मिला के सोरेन परिवार के हिस्से में साजिश ही आती है, रामकांत जी ये समझाना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस होती है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी होती है, पर इसके बावजूद भी एक हकीकत यह है कि सोरेन परिवार की धमक झारखंड की सियासत में निरंतर दिखाई देती है। हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में तो सफल हो गए, पर 4 महीने बाद क्या झारखंड की जनता का विश्वास जीत पाने में हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दल सफल हो पाएंगे?
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में शिकस्त से सबक लेकर विधानसभा चुनाव में जीत के लिए माहौल बना पाने में सफल रहेगी? ये भी सवाल है, आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन इतना तय है कि इस समय इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद है और हेमंत सोरेन का भी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।